नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल डिलीशियस डायरीज में। आज हम लोग हेल्दी पालक पराठा बनाने जा रहे हैं। नो नीडिंग नो रोलिंग वाला पराठा है, फटाफट क्विक बनने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये कुछ पालक की पत्तियां हैं, साफ धोई हुई हैं। मैंने इन्हें ब्लांच वगैरह कुछ नहीं किया है, ऐसे ही ले ली है। तो ये मिक्सी के बर्तन में डाली है। ये 2 से 3 हरी मिर्चियाँ हैं, आप मिर्ची आपके स्वाद के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। हम इसमें लाल मिर्च नहीं यूज़ करेंगे, इसलिए हरी मिर्च मैंने 3 ले ली है। ये 4 लहसुन की कलियाँ हैं, ये डाल देते हैं। और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, इसे इस तरह काट लिया है। तो ये भी सारा साथ में फटाफट बारीक हो जाएगा, इसलिए मैंने ये सब साथ में ही रखा है। तो चलिए ये मैं मिक्सी में से घुमा देती हूँ। मैंने अभी इसमें पानी ऐड नहीं किया है, ज़रूरत के मुताबिक लगेगा तो डालेंगे। तो चलिए मैंने इसे मिक्सी में से पीस लिया है, एकदम बारीक पेस्ट बनाई है इसके इस तरह। चलिए ये हो गया। अब मैंने इधर गेहूं का आटा लिया है, रेगुलर आटा है जिससे हम लोग डेली रोटी बनाते हैं, ये वही आटा है। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, मैदा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ गेहूं के आटे से बनने वाली है। तो अब इसमें हम सबसे पहले नमक डाल देते हैं थोड़ा सा। और ये जो मिक्सी में से पेस्ट बनाई है अभी, ये डाल देते हैं। और इसमें ये बर्तन धोकर मैं पानी डालूंगी सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं अगर और ज़रूरत लगी तो और डालेंगे। और अब हमें इसका एक लिक्विड डो बनाना है, जिस तरह डोसा का वगैरह होता है इस तरह ही बनाना है ये। तो पहले सबसे पहले इसे अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं एक बार। चलिए इसमें और पानी लगने वाला है, तो मैं ये जब तक के डोसा वाली कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता है तब तक के पानी ऐड करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डो इधर तैयार हो चुका है। मैंने आपसे कहा था कि जिस तरह डोसा का बैटर होता है उस तरह बनना चाहिए। तो ये देखिए, ये हमारा उसी कंसिस्टेंसी में मैंने बनाया है। तो चलिए ये रेडी है। और अब मैंने इधर पैन रखा है गरम, इसे हल्का सा पहले ग्रीस कर देते हैं, ना कि बराबर करना है एकदम, ये सिर्फ चिपके नहीं है तवे पर, इसलिए करना है। चलिए, और ये जो मैंने अभी बैटर बनाया है ये 1 स्पून भर कर लिया है मैंने, ये डाल देते हैं इस पर। हमारा पैन अच्छी तरह गर्म है और इसे हल्का सा स्प्रेड करना है, बहुत पतला नहीं और बहुत मोटा भी नहीं। बहुत मोटा रखोगे तो अंदर से कच्चा लगेगा सब। चलिए ये रेडी इस तरह। और इस साइड जब तक कि पूरी ड्राई नहीं हो जाती है ऊपर वाली साइड, तब तक इसे बिल्कुल भी फ्लिप नहीं करना है। चलिए इसकी एक साइड हो जाने देते हैं। तो ये देखिए, इसके ऊपर की साइड एकदम ड्राई हो चुकी है। अब हम इसे फ्लिप कर देते हैं। ये अच्छी तरह नीचे से प्रॉपर कुक हो जाए तो ये अपने आप पैन छोड़ देगा। चलिए इसे फ्लिप कर दिया है मैंने, हल्का सा गैस बढ़ा देते हैं। रोटी पर जिस तरह के डॉट्स होते हैं उस तरह के डॉट्स आ जाए इसके नीचे की साइड पर, उसके बाद हम इसे फुलाएंगे और ये फुलके की तरह पूरा फुलेगा एकदम। चलिए देखते हैं इसे फ्लिप कर। ये देखिए, ये इस पर डॉट्स आ चुके हैं जिस तरह रोटी पर डॉट्स होते हैं। तो अब हम इसे फुलाएंगे धीरे धीरे कर, जिस तरह प्रॉपर कुक होते जाएगा ये फूलेगा पूरा। इसे दबा दबा कर सब तरफ से हमें फुलाना है, तभी ये सॉफ्ट रहेगा। जब तक कि ये फूलेगा नहीं तब तक कि आप समझिएगा कि ये प्रॉपर कुक नहीं हुआ है, ये अंदर से कच्चा है। ये देखिए, ये फूलने लगा है।
फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी अगर थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे रेसिपी को लाइक करते जाइएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, आपकी डिलीशियस डायरीज अब इंस्टा पर भी अवेलेबल है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है डिलीशियस डायरीज 330, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कीजिएगा। अच्छी तरह कम ज़्यादा गैस करना है। एक साथ आप फुल रखोगे गैस तो जल जाएगा। चलिए, ये हमारा रेडी है, आप इसे निकाल देते हैं। इसमें जो छेद आए हुए हैं थोड़े बहुत, उसकी वजह से इसकी स्टीम निकल रही है और ये प्रॉपर फूल नहीं पा रहा है, बट ये प्रॉपर कुक हो चुका है अच्छी तरह, ये देखिए। चलिए, तो अब हम इसे निकाल देते हैं और इस तरह बाकी के भी बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा रेडी है। अब आप चाहो तो इस पर बटर या तेल, घी कुछ भी लगा कर खा सकते हो, तो मैं इस तरह बाकी के बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पालक पराठा रेडी है, एकदम सॉफ्ट है। देखिए आप, इतनी आसानी से टूट जाएगा ये। तो चलिए, ये आज की मेरी रेसिपी, आज की मेरी डिश अगर पसंद आई आपको तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज आपने वक्त से वक्त निकाल कर मेरा पूरा वीडियो देखा है, उसके लिए थैंक यू।